हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो क्रिस की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को सैलरी 48,852 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ से आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 21 नवंबर 2022 से, और इसमें अप्लाई करने के लिए और एप्लीकेशन फी सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 20 दिसंबर 2022। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, और लास्ट है एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 22 ईयर्स लेके 28 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को सैलरी लेवल 6 के हिसाब से यानी कि 35,400 से लेके 112,400 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 48,852 पर मंथ मिल जाएगी। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BE/BTECH की हो तो उसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BE/BTECH की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का BE/BTECH की हो तो उसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए आपके BE/BTECH और डिप्लोमा पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए आपके BE/BTECH और डिप्लोमा पे मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर यहीं पे बहुत ही इजी रखा गया है। इसमें आप लोगों का सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा गया है। रिटन टेस्ट पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे टोटल पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट 1 पे नॉन टेक्निकल पार्ट में से क्वेश्चंस रहेगी, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में से 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 24 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद होगा पार्ट B। पार्ट B में आप लोग जो भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 96 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 96 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे एप्लीकेशन फी रखा गया है, बट कितना रखा गया है उसका डिटेल्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां चेक आउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट पर जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।